नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं चैनल नेता नडालते हैं। आज की अहम खबर पर, गंगा किनारे हजारों की संख्या में लाश मिलने से समूच विश्व में भारत देश की बदनामी हो रही है। गंगा में शव कहां से आते हैं, इसकी भनक अभी तक शासन को नहीं मिल पाई। मामला ठंडा नहीं हुआ कि कल फिर से एक वीडियो बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र की वायरल हुई, जहां टायर और पेट्रोल के सहारे शव को जलाया जा रहा है। टायर और पेट्रोल के सहारे की जा रही है लावारिस शव की अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस पूरे वीडियो की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि यह पूरा मामला फेफना थाना क्षेत्र के मालदे घाट का है। बलिया के एसपी के पास मामला गया तो इस पूरे मामले में 5 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। हमारा नाम हो, हम रहिला सागर पाली, हमार घाट मालदे पूर्वा, जितना लाश आवल हम जराइला सा, अभी दुगो लाश कम जरावत है नहीं। सिपाही लोग कहल लो, इंचारा साहेब, बड़े साहब लोग कहल लो। अच्छा, तो ये लाश बह के आई थी? हाँ, बह के आई लाश, दरिया से बह के आई। अब तो संख्या कहते ना बता सकल, बह के आओ तब नहीं जा लागत है छाछी पर। बाबू, दो लाश, दो बाडी यहाँ पर हम जरावत नहीं साहब लोग के सामने। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। तो ये थी हमारे आज की अहम खबर। ऐसी अहम खबरों के बने रहिए चैनल के साथ।